सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। जेआईबी और सीआईबी के एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका होने वाला है नवंबर दिसंबर में, इसके लिए क्या आप सभी रेडी हैं या आप कैसे अपनी तैयारी को कर रहे हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन? देखिए, जेआईबी का एग्जाम नवंबर में होगा, नवंबर में जेआईबी और दिसंबर में सीआईबी। तो जेआईबी के लिए अगर हम ध्यान दें तो 4 महीने हमारे पास और सीआईबी के लिए 5 महीने हैं अभी भी हमारे पास। तो 4 महीने जेआईबी के लिए और सीआईबी के लिए 5 महीने अच्छा खासा टाइम होता है। इसमें आप आराम से जेआईबी सीआईबी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। देखिए, होता क्या है कि एक बैंकर के लाइफ में ज़्यादा समय बचता नहीं है कि वो स्टडी के लिए टाइम निकाल सके, क्योंकि आप बैंक से आते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा हेक्टिक वर्क स्केड्यूल है आपका, उसके बाद आप घर पे एक ही बार जो आप सोचेंगे लास्ट में हम कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लास्ट के 10 दिन देख के जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग कुछ एक्सेप्शंस को साइड कर दे तो जनरल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप इन 4 और 5 महीने में एक रूटीन को फॉलो करें, जैसे कि हम लोग पहले अपने स्कूल लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते थे, खैर स्कूल लाइफ क्या, अभी बैंक में भी आप एक रूटीन फॉलो करते हैं 10 से 5 का आपका एक रूटीन लाइफ है, वैसे ही मान के चलिए कि आपको भी एक रूटीन बनाना होगा जेआईबी और सीआईबी के लिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि अब इतने बड़े हो गए हैं, अब क्या रूटीन बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जेआईबी सीआईबी आप एक अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लें और अच्छे स्कोर के साथ पास कर लें, तो आपको एक रूटीन बनाना होगा, रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सिंपल रूटीन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, आप अपना रूटीन खुद से भी बना सकते हैं। देखिए, जेआईबी की अगर बात करें तो आप मंडे ट्यूसडे को दीजिए पेपर वन के लिए, यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पेपर वन जो आपका है, इसको आप मंडे ट्यूसडे को पढ़िए, मंडे को पढ़िए फिर ट्यूसडे को पढ़िए, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे आप रखिए पेपर थ्री, यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जो आपका जेआईबी का पेपर थर्ड है, उसके लिए भी 2 दिन आपको दिया गया वीक में। फिर जो आपका पेपर सेकंड है यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसको आप फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि जनरली इसी पेपर में आपको थोड़ा सा लगता है कि ये पेपर टफ है, इसलिए इसको 3 दिन दीजिए और मिनिमम 1 घंटे आपको देने हैं। जैसे मंडे को 1 घंटा पीवीपी पढ़िए, फिर ट्यूसडे को भी 1 घंटा पढ़िए पेपर वन, वेडनेसडे को पेपर थ्री 1 घंटा पढ़िए, थर्सडे को 1 घंटा पढ़िए, ऐसे करके फ्राइडे सैटरडे संडे को पेपर टू 1-1 घंटा पढ़ लीजिए। मिनिमम 1 घंटा देंगे तो उससे क्या होगा कि 1 घंटा आसानी से दिया जा सकता है, रात में दे दीजिए टाइम, ऑफिस आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके आप टाइम दे सकते हैं, 9 से 10 पढ़ लीजिए या जो भी आपको एक सुटेबल टाइम लगता है उसमें आप 1 घंटा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपका जेआईबी का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सीआईबी के लिए बात करें तो इसमें भी आप एक सिंपल रूटीन फॉलो कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे को दीजिए पेपर वन, इसमें आपका एडवांस बैंक मैनेजमेंट हो गया, और वेडनेसडे थर्सडे को रिटेल बैंकिंग अगर आपका ऑप्शनल है, या फिर अगर आपका कोई दूसरा ऑप्शनल है, यानी पेपर थर्ड के लिए आपको 2 दिन वेडनेसडे थर्सडे देना है, उसके बाद पेपर सेकंड जो है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए यहाँ पे 3 दिन आपको देना होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसमें भी मिनिमम 1 घंटे डेली अगर आप देते हैं तो अभी भी आपके पास जुलाई से लेकर के नवंबर तक, क्योंकि सीआईबी का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है, तो 5 महीने आपके पास है, आसानी से इन 3 पेपर्स को अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह के साथ कवर किया जा सकता है। तो सिंपल एक रूटीन फॉलो कीजिए और 4 महीने जेआईबी 5 महीने सीआईबी, इन जो भी आपके ये मंथ्स दिए गए हैं, इन मंथ्स को आप प्रॉपर यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपको एक बैग से बर्डन भी नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोचेंगे नहीं, लास्ट में जैसे एग्जाम से 5-7 दिन पहले बुक लेंगे मार्केट से और पढ़ने बैठ जाएंगे, वहां पे आपको काफी हेक्टिक लगेगा, आप नहीं कर पाओगे और आप सोचोगे कि लास्ट में 1 वीक ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे और घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, हो सकता है उस टाइम ऑफिस से आपको छुट्टी ना मिले, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। इससे बढ़िया है डेली 1 घंटे का एक रूटीन बना करके, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है एक डेमो रूटीन, ऐसे ही आप खुद से भी कुछ रूटीन, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप अपना ऑप्शन बना के एक रूटीन डेवलप कीजिए और उस रूटीन को फॉलो करते हुए जेआईबी सीआईबी के लिए तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हो आप कभी भी कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिया गया है, मेल है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।